आने से एकदम से कुछ चिंता का वेग आने से आदमी को एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। सिर्फ एक क्षण का गुस्सा, एक क्षण का भोग। छोड़ते जाओ, अभी भी ठीक हो जाएगा, अभी इसी क्षण। जैसे एकदम गुस्सा आने से, एकदम से कुछ चिंता का वेग आने से आदमी को एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। सिर्फ एक क्षण का गुस्सा, एक क्षण का भोग, एक क्षण की चिंता, एक क्षण का क्रोध, एक क्षण की पीड़ा तुम्हें मौत दे सकती है। तो एक क्षण का विश्वास, एक क्षण का योग तुम्हें सारे रोगों से मुक्त क्यों नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, करो। माथा भी ठंडा हो जाए, सारे नर्वस सिस्टम में रिलैक्सेस, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, लंग, हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, सब, लीवर, किडनी, पूरा शरीर एकदम शीतली, शीतकारी। दिन भर करना है अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, उद्गी। ये पांच प्राणायाम बीपी वालों को बार बार दिन में करना, कमरे में भी जाके करना, दोपहर बाद भी करना, शाम को भी, एक ही दिन में बीपी ठीक। और जिनको ब्लड प्रेशर, सॉरी, जिनको मोटापा है, जिनको शुगर है, वो दिन भर लंबे सांस लेना, कॉन्शियस ब्रीदिंग। जब कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं तो एक मिनट में चार होते हैं, और मैं तो करता हूं तो मेरा एक मिनट में एक ही होता है, मेरे नॉर्मल सांस ही चलते हैं सात आठ, नॉर्मल ऐसे। और जब कॉन्शियस ब्रीदिंग करता हूं तो मेरे एक मिनट में दो, और जो और डीप कॉन्शियस ब्रीदिंग करता हूं तो एक मिनट में एक चलता है, प्रैक्टिकल बात। तो जिनको मोटापा है, जिनको शुगर है, जिनको कैंसर है, जिनका शरीर गल सड़ रहा है, स्किन प्रॉब्लम है, बोन्स की प्रॉब्लम है, कि प्राण जो है ना अंदर से रिपेयर करता है, प्राण को औषध कहा है, प्राण को ब्रह्म कहा है, प्राण को माँ पिता कहा है, प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण स्वसा, प्राणाचार्य, प्राण ब्राह्मणे थी अवातवा ही भेषवात वाही अद्रपा विश्वेश जो देवाना ये सारे काम कर देता है। माता पिता बनके प्राण नया जीवन देता है, दिव्य जीवन मिलता है। हाँ, दिव्य जीवन, नया जीवन, रीबर्थ, एक जन्म माँ की कोख से दूसरा जन्म योग से, और प्राण तो कल्प वृक्ष है, प्राण। आओ, शीतली के बाद शीतकारी, पांच सात बार कर, और खुले हुए दांत बंद, दांतों के पीछे जीभ लगी,
और 7 बार करेंगे अरे सब शीतल शीतल हो जाएगा। अभी हिमालय कैलाश मानसरोवर जैसी अनुभूति होगी। सासों की माला से सुमिरों में